सागर में सिख संत गुरु अमरदास कॉलोनी के द्वारा लगातार 45 दिनों से लंगर का आयोजन किया जा रहा है। इस बाईपास रोड पर जो भी बसे, ट्रक एवं पैदल मजदूर निकलते हैं, उन्हें रोक कर लंगर खिलाया जाता है। इस अवसर पर सिख संगत के प्रमुख अरिजीत सिंह ने बताया कि पानी के संकट को चलते किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति एवं सरकारी अफसर ने पानी उपलब्ध नहीं कराया। पानी का टैंकर समाज सेवी यादव ने अपने उपलब्ध कराए। यहाँ लंगर सिख समाज के अलावा सिंधी समाज एवं गुजराती समाज के द्वारा किया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी किया जा रहा है। न्यूज इंडिया एनएस रजाक खान की रिपोर्ट। ये लंगर आप कब से चला रहे हैं? ये लंगर लगभग 45 दिन से हम लोग चला रहे हैं और इस लंगर में जब हमने शुरू किया था तो हमने सबसे पहले 1000 आदमियों का लंगर कॉलोनी के हिसाब से बनवाया था। कॉलोनी की महिलाओं ने ये लंगर बना के इधर भेजा था, लेकिन वो लंगर एक दिन में ख़त्म हो गया तो हमको ऐसा लगा कि इस लंगर को बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर सिख संगत गुरु अमरदास कॉलोनी के लोगों ने लंगर शुरू किया और ये लंगर निरंतर बढ़ता गया। उसके बाद चंदू बुधवानी जी के सहयोग से सिंधी समाज इसमें जुड़ गया, गुजराती समाज जुड़ गया और आज हमारे पास भंडार भरा हुआ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो टैंकर चल रहे हैं वो क्या किसी सरकारी संस्थान द्वारा भेजे गए हैं या शासकीय लोगों ने भेजे हैं? हमको एक टैंकर पानी भी किसी सरकारी संस्थान से नहीं मिला। हमारी कॉलोनी के रहवासी हैं श्री राजकुमार जी यादव, जिनके टैंकर कॉलोनी में पानी के उपयोग के लिए होते हैं और सब लोगों को उनके इधर से ही दूध आता है। हम लोगों ने निवेदन किया था कि हमको पानी की ज़रूरत है, उनने 4 टैंकर पानी रोज़ हमको इधर उपलब्ध कराते हैं। एक टैंकर जो पानी है वो हमारे भंडारा बनाने के काम आता है और 3 टैंकर पानी लोगों की प्यास बुझाने के काम आता है। इस टैंकर की भराई का पैसा भी वो स्वयं देते हैं। अच्छा, पीछे एक टैंकर दिख रहा है, शुक्ला जी लिखा हुआ है, शायद सांडली जी का है, तो ऐसा सुनने में आया है कि शायद उन्होंने किसी सरकारी संस्थान द्वारा भेजा गया है, इसमें आपका क्या कहना है? सांडेल जी जो हैं ये बाईपास सड़क बना रहे थे, लॉकडाउन होने के बाद उनके टैंकर और उनकी पूरी गाड़ियाँ कॉलोनी के परिसर में खड़ी हुई हैं। सागर उनका जो ठेकेदारी चलती है वो MES में चलती है, MES के वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे जी साहब के कहने पर और मेरे बड़े भाई गुरजीत सिंह आलूवालिया के कहने पर उन्होंने ये पानी का टैंकर हमें उपलब्ध कराया है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, हमको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है इसका लंगर में कि हमको पानी मिल जाए। लेकिन MLS और सांसद महोदय और सारे प्रशासनिक अधिकारी हमको ये वादा करके चले गए कि हम कल टैंकर भेज देंगे, लेकिन आज की तारीख तक 45 दिन में एक टैंकर पानी भी ये लोग हमें उपलब्ध नहीं करा पाए। और कोई इन्होंने आपको कभी सहायता दी है? मालिक की कृपा से हमारे साथ सिख समाज पूरा, सिंधी समाज पूरा, गुजराती समाज जुड़ा हुआ है, हमको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।